साथियों, 20वीं सदी के 50 साल और 21वीं सदी के 15-20 साल हमें दशकों पुरानी समस्याओं के साथ जीने की जैसे आदत हो रही है। किसी भी देश के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है। हम भारत के लोग ऐसा नहीं होने दे सकते। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीते जी इन समस्याओं से देश को मुक्त करें। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ऐसी समस्याओं में उलझा कर जाएंगे तो देश के भविष्य के साथ अन्याय करेंगे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते और इसलिए मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, देश के युवाओं के भले के लिए सारे राजनीतिक प्रपंचों का पूरी हिम्मत के साथ सामना कर रहा हूं। मैं इन लोगों की सारी साजिशों को नाकामयाब कर रहा हूं ताकि देश कामयाब हो सके। मैं सारी आलोचना, सारी गालियां सीना तान करके खड़े होकर के झेल रहा हूं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस स्थिति से गुजरना न पड़े। मैं हर गाली के लिए, हर आलोचना के लिए, हर जुल्म सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन देश को इन परिस्थितियों में अटकाए रखने के लिए तैयार नहीं हूं। आजकल ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसने दुनिया में मोदी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है। जो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, बातें फैलाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, वो जरा समझ रहे हैं, मोदी अपनी प्रतिष्ठा के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी के लिए देश की प्रतिष्ठा ही सब कुछ है और ये लोग बदलते हुए भारत को समझ ही नहीं पाए हैं।